बात करेंगे 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं, किसको राजनीतिक लाभ मिलेगा, किसके यहाँ धनागम होगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन साहित्यकार बनेगा, कौन लेखक बनेगा, कौन पत्रकार बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन अधिवक्ता बनेगा, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किस अंक के प्रयोग करने से आपको अपार सफलता मिलेगी, किस रंग के प्रयोग करने से आपका भाग्योदय होगा, सावधानी क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, ये सारी बात बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक हैं, आज आपकी सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और सामाजिक कार्य करने का, समाज सेवा करने का आपको स्वर्णिम अवसर मिलेगा। नई आर्थिक नीति आपके लिए अच्छी होगी, आर्थिक नीति बनाएंगे आपके लिए लाभप्रद होगा, और लेकिन तत्काल लाभ तो नहीं होगा, घर बाहर पूछ परख आपकी बढ़ेगी, कार्यों में वृद्धि का योग बन रहा है, भाग्य भी अनुकूलता लिए हुए रहेगा। नौकरी में पदोन्नत का योग बन रहा है, व्यवसाय आपका उत्तम चलेगा, पारिवारिक सुख शांति चैन बनी रहेगी, पिता का सुख मिलेगा और माता पिता का सुख मिलेगा, पत्नी को नौकरी मिलेगी, जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी आदि खरीदने की योजना बना रखे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। यदि आपने साक्षात्कार के लिए अगर कोई प्रयास किया है तो आज साक्षात्कार में बुलावा आ सकता है, नौकरी मिल सकती है, उसका प्रबल योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी, अपनी ऊर्जा है, जो आपके अंदर ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगाने की जरूरत है। उपाय क्या करना है, सूर्य की आराधना करें। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं, आज आपकी कोई बड़ी समस्या से दो चार होना पड़ सकता है, आज आपको सामना करना पड़ सकता है प्रतिकूल परिस्थितियों का, कोई पुराना रोग, कोई पुरानी परेशानी आपके सामने खड़ा हो सकता है, बड़े खर्चे होने की संभावनाएं बन रही हैं, आज हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़े, समय पर व्यवस्था न होने की वजह से तनाव की स्थिति हो सकती है, तो क्रोध न करें, नकारात्मक विचारधारा से दूर रहें, जो व्यवसाय करेंगे वो ठीक चलेगा, कई बार धन हानि होने की वजह से मन उद्विग्न रहेगा, तो आप चिंतित न हो, दोपहर के बाद आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी, व्यवसाय से लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ भी मिलेगी और जो रुका हुआ धन मिलेगा। विवेक से कार्य करने की जरूरत है, सावधानी क्या बरतनी है, नकारात्मक विचारधारा से बचने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना, आपके मन पर कोई गलत असर ना पड़े, आप निगेटिव दिशा में न जाएं, इसके लिए आज का जो मंत्र जपना है आपको, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपकी व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी, जिस उद्देश्य से व्यापार की योजना बनाएंगे या जो इस कार्य के निमित्त आप यात्रा करेंगे, वह सारा कार्य आपका सफल होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना बन रही है, किसी बड़े काम की योजना सफल होते हुए दिख रही है, अगर लाभ जो भी है उसमें और बढ़ोतरी होगी, धन की स्थिति अच्छी होगी, घर बाहर से पूर्ण सहयोग मिलने की संभावना दिख रही है, शत्रुओं में कमी आएगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, सुख के साधनों पर बड़ा खर्चा कर सकते हैं, आलस्य आप पर हावी रहेगा, तो आलस्य को हावी न होने दें, आपका मन आंतरिक रूप से प्रसन्न रहेगा, भाग्य की अनुकूलता आपके फेवर में रहेगी, भाग्य से सारे कार्य संपन्न होंगे, परिस्थिति अनुकूल है, शेयर ट्रेडिंग से धन मिलने की संभावना बन रही है। सावधानी क्या बरतनी है, खर्च पर नियंत्रण करें, दूसरों से कोई भी अपेक्षा न रखें। उपाय क्या करना, हरा चारा गौशाला में दान करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है हरा, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक हैं, आज आपको किसी के व्यवहार से आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकता है, छोटी छोटी बातें आपको हल्ट होती है, आप परेशान हो जाते हैं, तो यह नेचर आपको तनाव दे सकता है, इस नेचर को परिवर्तन करने की जरूरत है, कीमती वस्तु गुम होने से तनाव हो सकता है, अपेक्षाकृत कार्यों में विघ्न आ सकती है, आप में निश्चितता रहेगी, स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, बेवजह वाद विवाद से बचें, जोखिम और जमानत के कार्यों को टालना ही ठीक रहेगा, और जो भी कार्य हो रहा है उसमें थोड़ा पेशेंस रखें,
आज आपको कई तरह के निगेटिव खबर भी मिल सकती है, तो थोड़ा सा अपने को कंट्रोल में रखने की जरूरत है। अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, सिक्स सेंस की बात माने, उसके दिशा निर्देशन में कार्य करें। आपकी स्थितियां अनुकूल होने की संभावना प्रबल बन रही है दोपहर के बाद। सावधानी क्या बरतनी है, कार्यों के प्रति समर्पित भाव से कार्य करें। उपाय क्या करना है, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान भोलेनाथ का मंत्र का जप करें रुद्राक्ष के माला से। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है नीला, लक मीटर 7, हरे कृष्ण। बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपके इनकम में बढ़ोतरी होते हुए दिख रहा है। जो आपने व्यापार किया है उससे चारों तरफ से लाभ का समाचार मिलेगा। नौकरी में जो आपके मातहत हैं उनका सहयोग आप करेंगे, उनकी मदद करेंगे, और आज आपको कोई बड़ी अच्छी खबर मिलेगी जिससे आपको मानसिक प्रसन्नता रहेगी, उद्विग्नता दूर होगी। पुराने संगी साथियों से मुलाकात होगी, नए मित्र भी बनेंगे। जोखिम उठाने का साहस आप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। कहते हैं कि जितना जोखिम भरा कार्य करेंगे उतने ही फायदेमंद आपके लिए रहेगा। परिवार से सहयोग मिलेगा, आप अपने कार्यों से संतुष्ट रहेंगे, कार्यों को करने से आप संतुष्ट रहेंगे, आत्मसंतुष्टि मिलेगी। जल्दबाजी न करें और अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन करके किसी कार्य को करें और पूरी मेहनत करके डेडिकेटेड होकर लगे रहिए। आज आपके कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। सावधानी क्या बरतनी है, आलस्य का परित्याग करना आपके लिए हितकर रहेगा। उपाय क्या करना है, गाय को रोटी और गुड़ खिलाना श्रेष्ठकर रहेगा। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर 6, हरे कृष्ण। बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपके प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी, प्रेम प्रसंग बढ़ेगा। थोड़े प्रयास से ही रुके हुए काम संपन्न होंगे। आपके कार्य की लोग विरोधी भी प्रशंसा करेंगे। व्यवसाय आपका लाभदायक रहेगा। नौकरी में अधिकार मिलने की संभावना बन रही है। आय में वृद्धि होगी। घर बाहर आपके मान सम्मान बढ़ेगा, पूछ बढ़ेगी, नए तरह के कार्य होंगे, नए अनुबंध हो सकते हैं। व्यापार में बढ़ोतरी होने की संभावना बन रही है। जोखिम व जमानत के कार्यों को टालने, उसमें कोई रिस्क न ले, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अपने काम से काम मतलब रखने की जरूरत है। कौन क्या कर रहा है, कहीं किसी के टेरिटरी में दखलअंदाजी न करें, न किसी के क्षेत्र में इंक्रोचमेंट करें, उसे बचने की जरूरत है। सावधानी क्या बरतनी है, साझेदारी में व्यापार न करें। उपाय क्या करना, हरा मूंग दान करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग है वेजिटेबल कलर, और लक मीटर 6, हरे कृष्ण। बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि की जातक है, आज आपकी व्यवसायिक यात्रा मनोनुकूल होगी। आपकी स्थितियां अच्छी हैं, जो भी एफर्ट करेंगे उससे लाभ मिलेगा। आपके मन में कोई अज्ञात भय रहेगा जो आपको तनाव देगा, तो अज्ञात भय से बचने की कोशिश करें। आय में वृद्धि का योग बन रहा है, उपहार की प्राप्ति के योग है। आज आपकी बेरोजगारी दूर होगी। विवेक से निर्णय लेने की जरूरत है। लाभ में वृद्धि तथा समस्या का निराकरण होने की संभावना बन रही है। घर बाहर प्रसन्नता रहेगी। पार्टनरों से थोड़ा मतभेद दूर होगा। आज परिस्थितियां अनुकूल है, नए तरह के कार्य होंगे, पिता का सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, और जो रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। कई विरोधी आज जो आपके विरोध में हैं वो सब आपके पक्ष में होंगे। सावधानी क्या बरतनी, किसी से कोई अपेक्षा न पालें। उपाय क्या करना है, माता लक्ष्मी जी की आराधना करें और श्री सूक्त का पाठ करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हल्का नीला, लक मीटर 7, हरे कृष्ण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपके संपत्ति के बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकता है। बेरोजगारी दूर करने के लिए आप प्रयास करिए, अपने प्रयास में सफल रहेंगे। परीक्षा और साक्षात्कार में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, ईर्ष्यालु लोगों से सावधान रहिए। आपका व्यापार व्यवसाय कार्य उत्तम चलेगा। जोखिम उठाने का साहस आप कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद होगा। आप में कई प्रकार के कार्यों की बढ़ोतरी होगी। चतुर्थिक विकास से मन प्रसन्न रहेगा। पार्टनरों का सहयोग मिलेगा। घर बाहर प्रसन्नता रहेगी। परेशानियाँ दूर होंगी। अच्छी परिस्थितियाँ आएंगी। पिता का सुख मिलेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा, और पत्नी का सहयोग मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी है, कटु भाषा का प्रयोग न करें। उपाय क्या करना, भगवान श्री गणेश को मोदक अर्पित करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि की जातक हैं, आज आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। किसी से भी हंसी मजाक न करें, सीरियस रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। शत्रुओं का पराभव होगा,
आपके प्रेम प्रसंग में जल्दबाजी न करें, नहीं तो दिक्कतें आ सकती हैं। राज की बाधा दूर होकर स्थितियां अनुकूल होगी, व्यय बढ़ेगा, धनार्जन सहज रूप से होगा, व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी और आज आपके जो व्यापारिक मतभेद चल रहा है वो दूर होगा। लाभ में बढ़ोतरी होगी, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। माली हालत अच्छी होगी, पिता का सुख मिलेगा, नए तरह के कार्य करेंगे, देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, खान पान पर नियंत्रण करें और ओवर ईटिंग से बचें। उपाय क्या करना, श्री सुक्त का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है गोल्डन कलर, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपको वाहन मशीनरी व अग्नि आदि के प्रयोग से सावधानी रखना चाहिए, उसमें नुकसान हो सकता है। स्वयं निर्णय लें, किसी की बातों पर अधिक भरोसा न करें। आय में निश्चितता रहेगी, व्यवसाय ठीक चलेगा। आलस्य आप पर प्रभावी हो सकता है, अपने काम से काम रखने की जरूरत है। क्रोध और तेजरा पर नियंत्रण रखें, किसी बड़ी उलझन में पड़ सकते हैं, उससे निकलें, उसमें बहुत उलझने की जरूरत नहीं है। परिस्थितियां अनुकूल है, घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होगा, नए कार्य से मन प्रसन्न रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, गुस्से पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। उपाय क्या करना है, काला कपड़ा दान करें और शनि की आराधना करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपके बौद्धिक कार्य संपन्न होंगे, अध्ययन अध्यापन में मन लगेगा और आध्यात्मिक विकास होगा, एकेडमिक लाभ होगा, धन की स्थिति अच्छी होगी, समय पर काम बनने से मन में प्रसन्नता रहेगी। किसी मांगलिक कार्य में भाग लेने का अवसर मिलेगा, स्वादिष्ट भोजन का आनंद प्राप्त होगा, जोखिम और जमानत के कार्यों को टाल देना ही ठीक रहेगा। आज आप अचानक चिंतित हो सकते हैं, आलस्य न करें, आलस्य का परित्याग करें, आलस्य आपका सबसे बड़ा शत्रु है। कोई पुराना रोग उभर सकता है, इसलिए उसमें जोखिम न लें, रोग और शत्रु को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। परिस्थितियां अनुकूल है, जो कार्य पाइपलाइन में संपन्न होगा। सावधानी क्या बरतनी है, अज्ञात व्यक्ति से कोई भी व्यापार न करें। उपाय क्या करना, श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपके आय में बढ़ोतरी होगी, पारिवारिक सहयोग आपको मिलेगा, चोट और रोग से बाधा व हानि संभव है। कोर्ट और कचहरी में आपको सफलता मिलेगी, अनुकूलता रहेगी। आशंका कुशंका के चलते निर्णय लेने की क्षमता आपकी घट सकती है। पूजा पाठ में मन लगेगा, दुष्ट जन हानि पहुंचा सकते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से सचेत रहें। आज आपकी समाज में विरोध हो सकता है, व्यवसाय आपका ठीक चलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी मिलेगी, कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, परिस्थितियां अनुकूल है। सावधानी क्या बरतनी है, भावुकता में बहकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। उपाय क्या करना है, ओम श्री गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करना है। शुभ अंक 9, शुभ रंग है हल्दी कलर, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण।